कालाडूंगी कोटा बाग मार्ग पर अचानक हाथियों का झुंड मुख्य मार्ग पर आ गया, जिस वजह से वहां यातायात काफी देर तक बाधित रहा। वन क्षेत्र अधिकारी के आर आर्या का कहना है कि आसपास के जंगलों में हाथी सड़कों पर दिखाई देते हैं, क्योंकि इसके आसपास काफी बड़े क्षेत्र में वन क्षेत्र है, जो कि घने जंगल है। इसके आसपास अक्सर हाथी पाए जाते हैं और बीच बीच में वह जंगल को एक ओर से दूसरी ओर जाने के लिए सड़क के बीच में ही आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में वन विभाग के हवाई फायर के बाद हाथी जंगल की तरफ चले जाते हैं। कालाडूंगी रेंज के अंतर्गत अधिकांश मार्ग वन क्षेत्रों से होकर गुजरती हैं, जिसके दोनों तरफ घने जंगल हैं, जिस कारण वर्षा काल में हाथी अक्सर रोड में आ जाते हैं और सूचना प्राप्त होने पर वनकर्मी मौके पर पहुंचकर रास्ता खुलवाते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा कि ऐसी स्थिति आने पर हाथियों से उचित दूरी बनाए रखें और हाथियों के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ न करें।